माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिन चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान जानू से दिव्य हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि हवन यज्ञ करने का यह पावन दिन भक्तों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। दिव्य हवन यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि हमेशा समय एक सा नहीं रहता, बुरे वक्त में कोई अछूता नहीं रहता। वहीं उन्होंने कहा कि दुख में जो साथ देता है उसका सहयोग निस्वार्थ होता है, और जब दुख की रात्रि व्यतीत हो जाए तो सुख की उजली सुबह आ जाए तो दुख के साथी पर अच्छा वक्त परवान कर देना चाहिए। आज महामाई को पंचमेवा के भोग अर्पित किए गए। मां बंगलामुखी जी के जय घोष से सारा वातावरण गुंजायमान हुआ। इस अवसर पर रविंद्र बांसल, एडवोकेट राजकुमार, राकेश प्रभाकर, अमरिंद्र कुमार शर्मा, बाबा जोशी, अभिलक्ष चुग, अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, जसविंदर सिंह, संजीव, राजेश महाजन, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, राजीव, मनबीर, मनदीप, राकेश, विशाल कोहली, ठाकुर बलदेव सिंह, लक्की, सुमी भानु मल्होत्रा, सुनील जग्गी, प्रिंस दिनेश चौधरी, पंकज साहिल, मनी सिंह, पप्पू, दीपक, मनजीत सिंह सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ये कोई ना कोई गलबात होती है, सो आज दा जिहड़ा भाव है कि किसे दा अपना थोड़ा कोई साथी है उसका बुरा टाइम है, समय अच्छा नहीं है, पर थोड़ा टाइम बहुत वधिया है। अपना अच्छा टाइम उस साथी दे बुरे टाइम के लिए लगाओ ता जो उसका समय अच्छा हो सके। कई लोग देखते हैं कि इसका समय बुरा हो गया, छोड़ के अगला मित्र, छोड़ के अगला मित्र, छोड़ के अगले पास नहीं। जदों तुहाडे मित्र सखा कोई तुहाडा वैल्यूशन है उसका समय अच्छा नहीं हैगा, उन्होंने उस टाइम से छड़ के नहीं आना। मैं एक चीज होर कहनी चाहना कि लोग आते जाते रहेंगे, भगत आते जाते रहेंगे, समय उत्ते थले हुंदा जाएगा, पर तुहाडा जिहड़ा प्यार है वो माँ बंगलामुखी जी के नाल होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के नाल नहीं होना चाहिए। मैं होव ना होव, कोई होवे ना होवे, कोई ब्राह्मण होवे ना होवे, ये पत्ते है, पुराने पत्ते घट जाते हैं, नवे पत्ते आ जाते हैं। उसी पेड़ का पत्तिया का प्यार नहीं करना, उसी माँ बंगलामुखी जी नाल प्यार करना, और कभी भाव मन च नहीं रखना कि फलाना बंदा आया नहीं, मैं तो वह साथी सी मेरा, नहीं कोई किसी का साथी नहीं। जिस माँ के पेट चो जन्म लिया गर्भ चो ओदा भी साथ थोड़े टाइम लिए है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, दुपरान जाना ही पता। ये पंचभूत का शरीर है, ये पंच तत्वों को इतने बढ़िया, पंच तत्वों के इतने विलीन होना। ओम ह्रीं बंगलामुखे सदुष्टानां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिं राजयो। ओम ह्रीं बंगलामुखे सदुष्टानां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिं राजयो। ओम ह्रीं बंगलामुखे सदुष्टानां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिं राजयो। ओम ह्रीं बंगलामुखे सदुष्टानां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिं राजयो। ओम ह्रीं बंगलामुखे सदुष्टानां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिं राजयो।